ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच महापुरख संत बाबा हजारा सिंह जी की मिठी याद विच एकत्र हुए गुरु खालसा जी सरबत संगतां अज आपो अपने मनां दीआं शरदा लै के गुरद्वारा गिठा साहब दूरां दरेडियां तों जदों दास आ रहा सी मैं वेखिया कि बहुत वड्डा काफलियां दे रूप विच संगत आ रही हले तक भी आ रही। सो संगतां नूं इस गल का मतलब नहीं कि कोई करोना है जां कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जां प्रबंध घट किए गए ने, संगतां उस तरह ही आ रही ने। सो ये महापुरखां प्रति प्यार है। सो बोलन तो पहला दास बेनती करेगा सारी संगत ने फतेह गज के बुलाउणी है। ढिल्ली जी फतेह बोलदे आपां, फतेह बुलायो गज के सारे। दास दी भी हाजरी लगेगी ते हुण तक जिन्हां ने अपनी हाजरी भी नहीं लवाई वह भी जरूर बोलियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत संग जी, जिनी दुनिया च महंगी चीज़ हुंदी है ना उन्हां दीआं परखां हुंदीआं, हीरियां दीआं परखां हुंदीआं, सोने नूं कठाली च पैणा पैंदा है। ये दुनिया का दस्तूर है। अज समुची कौम ते जो कुछ वापर रहा मैं इहदे मुतालक ही दो चार मिनट आप जी दे लैणे ने। आपां सिख राज दीआं गल्लां सुणियां, इहदे तों पहलां धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी इस जगत विच आए और इस धरती ते आए जिथे आपां बैठे हाँ, पंजाब दी धरती ते दस गुरु साहिबाना ने बहुत महान कौतक किए और सब तो साढ़े ते वड्डा परोपकार किया कि सानू बहुत वड्डी शक्ति दित्ती। महाराज दुनिया च किसे कौम कोले शक्ति नहीं, वो शक्ति की है वो है धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी सदीवी रूप में अपना स्वरूप महाराज दे गए, पक्के तौर पर दे गए। तो फिर जिहड़ियां शक्तियां आप विखाइया महाराज कलगीधर पातशाह जी ने यह हुक्म कर दिता खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये खालसा परमात्मा की मौज नाल प्रगटिया, इहनू दुनिया की कोई शक्ति खत्म नहीं कर सकती। ये कुछ बंदियां दा ग्रुप खड़ा किया हुंदा, ग्रुप टुट जाते ने, दल टुट जाते ने, पार्टियां खत्म हो जांदियां, पर ये उस रब दा खड़ा किया होया खालसा पंथ है, इहनू कोई मेट नहीं सकता। पर बहुत सारिया मुसीबतां वेदी इस पंथ नूं लंघना पिया, अज भी लंघ रहा। उहदे लई कुछ आपां भी जिम्मेवार हां। मैं इस स्टेज तो कुछ कहां, तुसीं सारे साबत सूरत बहुत वड्डी गिणती साबत सूरत गुरु के सिख बैठे हो, क्योंकि महापुरखां दे दीवानां दा यही फर्क हुंदा है। आम मेलियां ते चले जाओ ते गल होर हुंदी है, पर जदों महापुरखां दे जोड़ मेलियां ते जाईदा उत्थे साबत सूरत संगतां उहनां चों ही बहुत गिणती अमृतधारी ते उहनां विचों नाम रसीए भी जरूर महाराज की कृपा दे नाल होणगे, कोई घाटा थोड़ो होवेगा। पर साध संगत अज जिहड़ी परख विचों आपां निकल रहे हां इह कोई सधारण नहीं। 1947 च तुहाड़ियां परखां होईयां, खालसा पंथ दे धार्मिक स्थान खोए गए, समुचे पंजाब दी हिक चीरी गई। तुसीं ते बॉर्डर ते बैठे हां, तुहानूं ज़्यादा पता है, पंजाब दो हिस्सों च वंडिया गया, बहुत जालत झल्ली आपां, जिन्हों आजाद भारत किया गया ये मसी पैर लगे। तो फिर जिहड़े साडे नाल वादे किए गए उन्हां वादिया तो हुकूमत मुकर गई, इन्हां बेईमान अकिरतकन लोगों ने गुरु के किए हुए परोपकार भुला दिते, सिखां नाल किए कौल भुल गए। ये भी तुसीं सब कुछ हनाया, जिहड़ी पंजाब दी बदसूरत शकल सानू दित्ती वह भी तुसीं वेख लई।
हिंदुस्तान तो कोई सूबा है जिदे कोल ना हाई कोर्ट होवे ना उहदे कोल अपनी राजधानी होवे। ये जानबूझ के होया सारा कुछ। इहदे तो बाद बहुत सोची समझी स्कीम के तहत साडे इष्ट गुरदेव गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दीआं बेदबियां होईआं अज हो रही कल परसों फतेहगढ़ साहब दे विच होई। साध संगत ये क्यों हो रहा? क्योंकि दुनिया जानती है कि अणखी लोग ने इन्हां दी अणख नूं टुंबण वास्ते इन्हां दे सिर नूं हथ पाओ दस्तार नूं हथ पाओ गुरु नूं हथ पाओ ते फिर ये अपने अकीदियां तों भड़क के आपस विच भी लड़ सकते ने बहुत कुछ हालात भी बिगड़ सकते ने। ये जानबूझ के किया जा रहा है। एक पासे बॉर्डर दे राही नशियां दा जाल विछाया जा रहा है दूसरे पासे बेअदबियां हो रही हैं ते तीसरे पासे साध संगत दो तीन ही गल्लां होंदियां मुढ़ किसे कौम दा। देखो धन गुरु नानक साहब ने जदों इस नूं विलखण कौम दा नाम दिता ना जिन्हों निराला पंथ किया मारिया छिका जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया उस पंथ लई अपनी महाराज जी ने भाषा बनाई बोली बनाई अखर बनाए अपना पहरावा बनाया अपना खाण पीन का सारा सिस्टम बनाया लंगर चलाए अपने सरोवर बनाए ते अपने गुरदेव की बाणी अकाली बाणी तुरकी बाणी महाराज सच्चे पातशाह जी ने वो सानू बख्शिश की। अज दर्जा बदर्जा सानू छांगिया जा रहा है। जम्मू चो पंजाबी भाषा बंद की गई राजस्थान तो पंजाबी भाषा का दर्जा खोया गया ये अपनिया बाहवा छांगिया जा रही। साध संगत जी आर्थिक तौर पर ये सिख पैरां सिर ना खड़ा हो सके ते एहो जे खेती दे बिल लियांदे जा रहे हैं जिदे नाल तुहाडा आर्थिक तौर ते लक तोड़िया जा सके ते जिहड़ियां जमीनां दा असीं माण करदे हां जिदे करके असीं पंजाब दे वसनीक बने बैठे हां कोई अमरीका कनेडा भी चले जावे ते उह अपणियां जड़ां पंजाब विच समझदा है। उहदा कारण की है कि तुसीं इस जायदाद दे मालक हो। यह भी अज दी हिंद सरकार दे अडानी अबानी वर्गियां दे घराणियां नूं बड़ी साजिश दे तहत तुहाडे मोढ़ियां ते बिठाया जा रहा है। पर मैं अखीर विच इक्को बेनती करांगा किसी गल्लों घबराउण दी लोड़ नहीं किसी भी गल्लों। जिहड़ी मैं गल कहण लगा तुहानूं जज्बाती करन वास्ते नहीं मैं अपने तजर्बे विचों अपने अनुभव नाल ही कर रहा। हो सकता मैं गलत भी होवां पर केवल जज्बाती नहीं किसी गल्लों घबराउण दी लोड़ नहीं। ये महापुरखां दे बचन हन संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी दे कि इन्हां हालातों चों आपां नूं लंघना ही पैणा सी पर हुण समां दूर नहीं। जदों सिखां दे उपर जुल्म ते शितम की कहानी घड़न वाले लोगों की पुठी गिनती शुरू होगी हुण पर उहदे विच आपां नूं अपना बनदा रोल अदा करना चाहिए। ऐसी धरती ते जदों मैं विद्यार्थी थां सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी ने कथा करदिआं होइआं इस इलाके च बहुत प्रचार किया महापुरखां ने साइकिल ते जा जा के ट्रालियां ट्रैक्टरां ते जा जा के प्रचार करते रहे। एक बारी इस दीवान विच शायद कादियां सी असीं दीवान विच खड़े होके एक नौजवान ने पुछिआ कहिंदे जी तुसीं रोज कथा करदे विचारां करदे हो कि पंज दुश्मन वड्डे ने जिन मिल मारे पंज सूरबीर ऐसो कौन बली रे। कहिंदे इहो जिहा कोई बली है ही नहीं ते फिर इन्हां विकारां ते असीं काबू किवें पाईए। ते महापुरख ते उहनां कोल ते सोमे फुटदे सी ना बाणी दे सोमे उहनां नूं प्रवाह थोड़ी सी पढ़न जाणा सी कितों
नहीं वो कहिंदे बह जा नौजवाना तैनूं मैं भी दस दिंदा है। कहिंदे अपने कोलों काबू पैंदा हुंदा है ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी सानूं गुरबाणी नाल क्यों जोड़दे, सानूं शक्ति ये दित्ती काबू पाउण दी। कहिंदे ला वी एक गल करी क्या तां सानूं सब नूं ही पर सुबोधन उहनूं होए। कहिंदे एक गल करी धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे चरणां च अरदास करदे वी काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छडावो, ये भीतर ते इनको डारो अपन निकट बनाओ अपनी बिद आप जनावो। लै कहिंदे अरदास करदी महाराज साडे कोल नहीं शक्ति हैगी, इन्हां तों तुसीं सानूं आप बचा लो, इन्हां तां कर लेंगा अरदास ते कर लेंगा ना। सारी संगत विच सन्नाटा छा गया, साध सिंह जी साडे कोल राज भाग लैण दी शक्ति नहीं पर साडा गुरु की कहिंदा है, गुरु कहिंदा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सवाहो। महाराज कहिंदे इदू भी थल्ले जो कीड़े दी भी हले कुछ होंद हुंदी है, नीकी कीरी मैं कल राखा है भसम करा लश्कर कोट लाख है, ये साडा गुरु कहिंदा। विश्वास ते श्रद्धा दे नाल नितनेम करो ते अरदास करो, महाराज सानू अपना राज भाग चाहीदा। किदे लई तुसी अपने लिए मंगना है, मैं अपने लिए मंगना है नहीं, जिहड़ा पंथ कलगी धर्मारे ने पैदा किया जिन्हों कहा यह खालसा मेरा रूप है ते अज महाराज तेरा रूप इन्हां बोधी धारियां ते टोपी धार टोपी धारियां दी धोती धारियां दी खिदमत करेगा नहीं। महाराज साढ़े ते कृपा कर, यह तेरा खालसा पंथ उस खुसे हुए राज भाग नूं प्राप्त करके उहदे तों वी वड्डा प्रभावशाली राज स्थापित होवे ते फिर सिख अपनी होनी दा फैसला आप करे। ये अरदास करो, जदों असीं अरदास करांगे अज जिन्हां दे तुसीं बरसियां मनाउण वास्ते जिन्हां दे प्रेम दे बद्धे इत्थे बैठे हो वो किवें इस स्थान ते पहुँच गए, अरदासां बेनतियां जे किसी ने कोई अपना घरेलू दुख तकलीफ भी दस्या तो क्या भाई महाराज दे अगे अरदास कर बेनती कर। साडे कोले गुरबाणी का सब तो वड्डा जहाज है, इस वास्ते साध संगत जी मैं इत्थे समाप्ति करदा कि जिन्होंने अमृत नहीं छकिया अमृत छको, गुरु वाले बनो, कलगीधर पातशाह दे पुत्र ते पुत्रियां बनो। अज सन्मान योग बाबा हजारा सिंह जी दे रूप विच साडे कोल बाबा बुद्ध सिंह जी आ, जिहड़े बाबा बुद्ध सिंह जी नूं तुसीं आ करोना की बीमारी च भी वेख्या। एक दिन मैं फोन भी किया, गड्डियां जीपां ते लंगर लद के पिंडां दे विच कमर कसा करके मूँह बन के तुरे हुए ने। मैं कहा बाबा जी बड़ी भयानक बीमारी है, तुसीं बचियो, इन्हां संगत दे विच ना जाओ। कहन लगे सिंह साहब अरदास करो, जिन्नी संगत की सेवा करांगे बीमारी तो आपे ही दूर भजेगी। और इन्ने मलापड़े इन्ने निघे सुभा दे ते कुशल प्रबंधक बहुत घट लोग होंदे ने जिन्होंने, क्योंकि महापुरख विरासत सिरज जांदे ने, उन्हों मेनटेन रखना उन्हों सांभना बड़ा औखा होंदा है। पर जिस ढंग दे नाल बाबा बुद्ध सिंह जी ने केवल सांभिया ही नहीं, साडे वर्गियां नूं भी जिहड़े इस धरती तो बड़ी दूर बैठे सां उन्हां नूं भी नाल जोड़ के संगतां दे दर्शन कराए, क्योंकि संगतां दे विच आप प्रभु अकाल पुरख वसदा है। इस वास्ते इन्हां अगे उस तों भी महाराज की कृपा, क्योंकि कृपा तो बिना दातां मिलदियां नहीं। जिहड़े बाबा जी दे सपुत्र बाबा बुद्ध सिंह जी दे भाई लोकदीप सिंह जी विद्यक तौर ते वकील बने ने, एडवोकेट की हुई है, नाल नाल प्रैक्टिस भी कर रहे ने ते नाल नाल इस सेवा विच भी हथ बटा रहे ने। कोई पढ़ाई का मान नहीं कि मैं ना पढ़िया होया ते मैं तुहाडे वाली चाल चल के फिर मैं संगतां दे झूठे बर्तन मांजा मैं तप्पड़ विछावां, ये नहीं मन विच हंगता, ये सतगुरु की कृपा है महाराज की कृपा है। सो इस वास्ते साध संगत जी अखीर विच मैं बेनती करूँ कि जरूर
दो टाइम का नितनेम संभालो ते दो टाइम की अरदास संभालो। अरदास दे विच आपां तां दोहरे पढ़दे हां वैसे राज करेगा खालसा, पर विशेष तौर पर अरदास करनी कि कलगीधर पातशाह जी आप दे खालसा पंथ की होंद बचाउण वास्ते सानू अपने राज भाग की प्राप्ति बख्शो। इन्हां शब्दां दे नाल दास खिमां दा जाचक है, बेअंती गलतियां भुल्लां होईआं साध संगत जी बख्श लैणा, सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी कृपा करके बख्श लैन, भुल्लां चुक्कां की खिमां बख्शो। सरबत संगत गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाह।